हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे सोनास किचन। और मैं हूँ सोना। आज हम लोग बनाने वाले हैं चिकन तंदूरी, वो भी बिना ओवन के। हम लोग गैस पे बनाने वाले हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल तंदूरी जैसे ही आता है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप दही। ये दही आप देख सकते हो कैसा है, इसका पानी मैंने पूरा निकाल दिया है। आपको ऐसा ही दही लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला। आप कौन सा भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एवरेस्ट का ले रही हूँ। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नींबू का रस, और उसके बाद 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप और 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम ये सारी चीजों को मिक्स करेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको दही जो है वो ऐसे ही लेना है, उसका पूरा पानी आपको निकाल देना है, तो ही आपकी तंदूरी अच्छी बनेगी। तो ये मिक्स हो गया है। उसके बबाद मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 लेग पीस, आप देख सकते हो। उसको मैंने ऐसे स्लीट कर दिया है, आप देख सकते हो बीच में एक एक स्लीट मार दी है। तो ये 2 लेग पीस मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये जो मसाला हमने बनाया है उसको आपको अच्छी तरह से इस चिकन पे लगाना है। आप देख सकते हो पूरा ऐसे रब करना है। ये जो स्लीट्स मतलब कट्स जो हमने डाले हैं उसके अंदर आपको ये मसाला भरना है। आपने देखा होगा कि मैंने नमक ऐड नहीं किया है दोस्तों। नमक हम बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है नमक ज़्यादा लग जाता है और वो बहुत ही खारा लगता है। तो इसलिए नमक हम लोग डायरेक्टली जब इसे मैरिनेशन के बाद निकालेंगे तभी हम लोग इसमें नमक डालेंगे। तो ये अभी हो गया है, इसको हम लोग ओवरनाइट रखेंगे मैरिनेशन के लिए। अगर ओवरनाइट नहीं रख सकते तो एटलीस्ट 2 घंटे आप इसे मैरिनेशन के लिए ज़रूर रखें, तो ही आपको तंदूरी अच्छी बनेगी। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। मैंने इसे ओवरनाइट रखा था, मतलब एक रात के लिए मैंने इसे मैरिनेशन के लिए रखा था। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक, आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैं बड़ा वाला टेबलस्पून डाल रही हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा ऑरेंज कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो ना डालें। और अब इसको अच्छी तरह से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हो हमारी जो तंदूरी का चिकन है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, इसको मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से लग गया है। तो अभी इसे फिर से हम लोग बंद करके 5 मिनट के लिए रख देंगे मैरिनेशन के लिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, गैस मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है, और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल। सिर्फ मैंने 2 टेबलस्पून ही डाला है। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है दोस्तों, तो अभी हम लोग ने जो चिकन मैरिनेशन किया था उसको हम लोग इसमें डालेंगे। और अब ये जो बची हुई पेस्ट है उसे मैं अच्छी तरह से रब कर लूंगी इस चिकन पे। अब हम इस पे ढक्कन लगाएंगे और इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। दस मिनट हो गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से पक रहा है। अब इसे हम लोग टर्न करेंगे। ये
ये देखिए दोस्तों, हमारा चिकन अच्छी तरह से पक गया है। आपको लग रहा होगा कि ये जल गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी जला नहीं है। ये बाहर से आपको जला हुआ लगेगा, लेकिन अंदर से ऐसे ही अच्छी तरह से टेंडर होगा। तो हम फिर से इस पे ढक्कन लगाएंगे और 5 मिनट इसे और पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से पक जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरे रेसिपीज अच्छे लगते हैं देखने, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। तो अभी ये चिकन हो गया है, हम इसे खोलते हैं और ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो कि चिकन कितनी अच्छी तरह से पक गया है। तो अभी हम इसे बंद नहीं करेंगे, अभी इसको ओपन ही हमें पकाना है। इसे हल्का सा टर्न करेंगे और फिर से अच्छी तरह से पकाएंगे। अब हम इस चिकन को बारी बारी सिर्फ 5 मिनट ऐसे ही टर्न करते करते पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो चिकन है वो रेडी है। मैं गैस को बंद कर देती हूँ और अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों, मैंने एक स्टैंड ले लिया है और उसको मैं थोड़ा सा ब्रशिंग कर रही हूँ। मैंने ब्रशिंग के लिए बटर का यूज किया है, आप ऑयल भी ले सकते हो। उसके बाद मैं उस पे रखूंगी हमारा एक चिकन का पीस, यानी एक लेग पीस, और उसको मैं अच्छी तरह से बटर से ब्रश कर लूंगी। आप बटर की जगह पे तेल यूज कर सकते हो। ये हो गया है, अब हम इसे फ्राई करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने गैस जला दी है और उस पे मैंने रखे हैं 2-3 कोयले के टुकड़े, और उस पे हम लोग अभी रखेंगे हमारा स्टैंड जिसमें हमने चिकन रखा है। तो इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। कोयले के टुकड़े मैंने इसलिए लिए हैं ताकि हमारी जो चिकन है उसको अच्छा तंदूर का इफेक्ट मिले और हमें तंदूर की ज़रूरत भी ना हो। इससे हमारा चिकन को अच्छा फ्लेवर मिलेगा कोयले का। लेकिन आप ध्यान रखिए, जो कोयला आप यूज़ करेंगे वो सिर्फ लकड़ी का हो। तो ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है हमारा चिकन, तंदूर हो रहा है। ऐसे करोगे तो आपको बहुत अच्छा तंदूर का इफेक्ट भी मिलेगा और चिकन बहुत टेस्टी भी लगेगा। तो ये हो गया है, अभी मैं दूसरा पीस को फ्राई करती हूँ। ये देखिए, मैं दूसरे पीस को भी अभी फ्राई कर रही हूँ। मैंने उस पर थोड़ा सा बटर का टुकड़ा डाला है ताकि ये बहुत ही टेस्टी लगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा धुआं आ रहा है, कितना अच्छा स्मोकी इफेक्ट हमको मिल रहा है। तो ये अभी हो गया है दोस्तों, मैं गैस को बंद कर लेती हूँ और इसको भी निकाल लेती हूँ। देखिए दोस्तों, हमारी जो चिकन तंदूरी है वो रेडी है। आप देख सकते हो ये कितनी अच्छी बनी है। ऊपर से ये जली हुई लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जली है। अंदर से ये इतनी ही टेंडर है, इतनी ही अच्छी जूसी है, आप देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, इसका पीस देखिए कितनी अच्छी तरह से निकल रहा है। ये देखिए, परफेक्ट तंदूरी हमारी बनी है। तो रिक्वेस्ट करूंगी आप घर पे ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरे रेसिपीज अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।